समय के महत्व को वही समझता है जिसने जीवन में लक्ष्य बना रखा है। नमस्कार ट्वेल्थ क्लास, आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरओ भाग दो की हमारी कविता एक गीत पढ़ेंगे। एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बच्चन जी की दो कविताएं दी गई है, एक आत्म परिचय और एक गीत। आत्म परिचय हमने दो पार्ट में उसको कंप्लीट कर लिया था, आज हम उनकी कविता एक गीत पढ़ेंगे। एक गीत कविता उनकी उनके काव्य संग्रह निशा और निमंत्रण में संकलित है। इस कविता में कवि ने समय के महत्व को बताया है कि समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। एक बार हाथ से निकल जाता है तो फिर समय वापस नहीं आता और ये किसी के लिए इंतज़ार भी नहीं करता, बहुत तेज़ गति से चलता है। लेकिन समय के महत्व को वही लोग समझ पाते हैं जिसने जीवन में कोई लक्ष्य बना रखा है। बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति समय की कदर नहीं करेगा, चाहे समय तेज़ गति से चले चाहे धीमी गति से चले। बहुत सुंदर गाए जाने वाली कविता है, हो भी क्यों ना, संगीत है इसके अंदर। इसका नाम ही एक गीत है, गीत है ये, कविता नहीं होकर के गीत ही है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये पहले गाई जाती है, इसके ऊपर मैंने वो काट दिया था शायद में, तो यहाँ नीचे से हम इसको शुरू करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन प्रतीक है इस जीवन का, समय का, कि जो ये समय है, ये हमारा जो जीवन है, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, समय जल्दी निकल रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है, ये समय बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जल्दी जल्दी का मतलब है बहुत तेज़ गति से चल रहा है, और समय की इस गति को जान करके हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। सोच थका दिन का पंथी, दिन का पंथी किसको कहा गया है? दिन इस जीवन को, पंथी यात्री, यात्री यानी कि मानव। दिन का पंथी मतलब इस जीवन का जो यात्री है, जो मानव है अपने जीवन के अंदर, जब उसको ये एहसास होता है कि उसकी मंजिल मतलब उसका लक्ष्य, उसने जीवन में कुछ कोई लक्ष्य बना रखा है, उसकी प्राप्ति वो करने ही वाला है, उसका मंजिल उसको प्राप्त होने वाली है, उसने जो काम किया था उसकी उसको प्राप्ति होने वाली है, फल मिलने वाला है। जब उसको ये एहसास होता है, पता चलता है, तो वो और तेज़ गति से चलता है कि वो जल्दी जल्दी चलता है। कवि कह रहे हैं कि जब मानव को पता चलता है, इस जीवन के यात्री अर्थात मानव को जब पता चलता है कि उसकी मंजिल बहुत करीब है, उसका लक्ष्य बहुत नज़दीक है, तो वो और तेज़ गति से चलता है। क्यों चलता है? कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ रास्ते में उसके जीवन में। रात में प्रतीक है साहित्य के अंदर, रात दुखों को माना जाता है। क्या कह रहे हैं कवि? कि उस यात्री को डर लगता है, मानव को डर लगता है कि मंजिल तो बिल्कुल नज़दीक है, कहीं रात ना हो जाए। रात का मतलब है कोई दुख ना आ जाए, रात का मतलब है कोई रुकावट ना आ जाए, रात का मतलब है उसको डर लगता है कि कहीं रास्ते में ही मंजिल तो इतनी पास है और कहीं तेरी मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए वो और तेज़ गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
और तेज गति से और उत्साह और जोश से और जल्दी से उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। प्रसंग किस प्रकार से लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में हरिवंश राय द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा और निमंत्रण से एक गीत कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने समय के महत्व का प्रतिपादन किया है। काव्य सौंदर्य की 10 लाइन किस प्रकार से लिखोगे? पहली लाइन में भाव लिखोगे। कवि ने जीवन में लक्ष्य और समय के महत्व का वर्णन किया है। खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में हरिवंश राय बच्चन जी लिखते थे, तत्सम तद्भव शब्दों की कविता के अंदर दिखता है। लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रतीकात्मकता है, इसीलिए कविता के अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है। रात में प्रतीक है, रात का मतलब है कोई रुकावट कोई बाधा ना आ जाए। शांत रस है कविता के अंदर, कवि ने पाठकों को बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर जब कवि जो बात करें हमें लगे कि कवि तो बहुत सही बात कर रहे हैं, वहाँ शांत रस होता है। शांत रस के साथ हमारा प्रसाद गुण, दृश्य बिंब, दिन का सुंदर दृश्य प्रस्तुत कवि ने यहाँ किया है। मुक्त छंद में है कविता, सरल सरस भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। संगीतात्मकता वाली लाइन आप लिखोगे। अलंकार कौन से हैं इनके अंदर? जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है चिड़िया का कवि ने कि किस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों की चिंता करते हुए तेज गति से अपने घोंसले में पहुंचने का प्रयास करती है। प्रतीकात्मकता है, लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है एक चिड़िया का उदाहरण देकर के। चिड़िया यहाँ पर किसका प्रतीक है? मानव का। बच्चे किसका प्रतीक है? लक्ष्य का। प्रत्याशा ये तत्सम संस्कृत का शब्द है, प्रत्याशा का मतलब है इंतजार, नीड घोंसला। चंचलता का मतलब यहाँ उतावलापन, जो उसके साथ जो काम करते हैं उसी को यहाँ चंचलता शब्द का प्रयोग किया है। कवि क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे इंतज़ार करते हैं, घोंसलों से देखते हैं कि उसकी माँ चिड़िया उसके लिए दाना चुगा लेकर के आएगी, और जब ये विचार चिड़िया के मन में आता है कि उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, घोंसलों से उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी माँ को, और जब ये एहसास चिड़िया को होता है तो चिड़िया और तेज़ गति से उस घोंसले तक पहुँचने का प्रयास करती है, क्योंकि चिड़िया को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि समय बहुत तेज चल रहा है, कहीं रात होने से पहले ही वो बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। कवि ने क्या प्रतीक इसके अंदर लिया है? चिड़िया प्रतीक मानव का, कि जिस प्रकार चिड़िया अपने बच्चों का उसको एहसास होता है, उसी प्रकार से मानव को जब अपने लक्ष्य का एहसास होता है कि उसका लक्ष्य है उस तक उसको पहुंचना है, और जब इस बात का उसको एहसास हो जाता है, फिक्र और चिंता होती है उसको पूरा करने की, तो उत्साह और उमंग से उसके पास पहुंचने का प्रयास करता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मशील हो जाता है व्यक्ति और जल्दी जल्दी से उस काम को करने की कोशिश करता है। काव्य सौंदर्य की वही इसके अंदर पूरी 10 लाइन आप लिखोगे, बिल्कुल सेम है। लास्ट वाला जो पद्यांश है उसके अंदर आपका प्रश्नालंकार और प्रश्नात्मक शैली है, बाकी ज्यों का त्यों आपका
काव्य सुंदरी है, तीनों पद्यांश के सेम ही रहेंगे और रस भी चेंज हो जाएंगे। वहाँ पहले के अंदर आपका शांत रस था और इसके अंदर हमारा वात्सल्य रस आएगा, क्योंकि चिड़िया और बच्चे का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कवि ने किया है। बाकी काव्य सुंदरी आपका सेम रहेगा कि यहाँ आपका वात्सल्य रस और माधुर्य गुण, और इस पद्यांश के अंदर आपका रस कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। कवि ने अपने प्रेम का जिक्र यहाँ किया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे वी हवलता है दिन, जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ जो लास्ट पद्यांश में कवि ने बात कही है वो मानव जाति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्य बनाना कितना ज़रूरी है जीवन में कुछ ना कुछ। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब बेचैन, शिथिल होता कमज़ोर करना, विहवलता क्या होती है बेचैनी उदासी। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया के तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और जीवन का यात्री को लगता है कि उसका लक्ष्य उसके करीब है, इसलिए वो तेज़ गति से चलता है और चिड़िया भी तेज़ गति से चलती है अपने बच्चों को पास पहुंचने के लिए। और कवि के जीवन में वियोग था, उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु होने के बाद वो कर्म नहीं कर रहे थे, उनका वो लक्ष्य से भटक गए थे, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे तो जीवन में अब लक्ष्य रहा ही नहीं, इसीलिए मेरे से मिलने के लिए तो कोई बेचैन ही नहीं है, मैं तो लक्ष्य से भटक चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई इंतज़ार करने वाला ही नहीं है, तो मैं किसके लिए चंचल होकर उत्साहित होकर के काम करूँ, तेज़ गति से किस प्रकार से काम करूँ। और जब मन में ये मेरे विचार आता है कि मेरे से तो कोई मिलने के लिए इंतज़ार ही नहीं कर रहा, मेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, मैं काम किसके लिए करूं, मैं तेज़ गति से काम किसके लिए करूं, और यह सवाल कवि को कमज़ोर कर देता है, पद को मतलब उसके काम करने की जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है और कवि के हृदय में उर्मे बेचैनी चाह जाती है, उदासी चाह जाती है, और उदास व्यक्ति कोई पूर्ण ढंग से और तेज़ गति से काम नहीं कर सकता। कवि ने क्या प्रेरणा दी है यहाँ, क्या शिक्षा दी है, अपना खुद का उदाहरण लेकर के कि मेरा लक्ष्य नहीं है, घर परिवार नहीं है मेरा, इसीलिए मेरे गति नहीं है, काम में गति नहीं है, जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, घर परिवार होना भी ज़रूरी है, उसके लिए वो व्यक्ति काम करता है। लक्ष्य कौन सा होता है, लक्ष्य कोई मंजिल और पहाड़ नहीं होता कि वहाँ हम पहुँच रहे हैं, लक्ष्य का मतलब है कि लक्ष्य व्यक्ति का हो सकता है कि मैं मेरे घर परिवार को खुश रखूँगा, लक्ष्य है कि मैं देश की सेवा करूँगा, लक्ष्य है कि मैं समाज की भलाई का काम करूँगा, व्यक्ति का लक्ष्य कोई भी हो सकता है जिसके लिए वो काम करता है, उसी को कवि ने लक्ष्य माना है कि मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है, इसीलिए तो मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं तो मेरे हृदय के अंदर उदासी है, तो मैं कैसे काम करूँगा, काम तो गति से कैसे किया जाता है जिसमें उत्साह जोश उमंग होता है। कवि ने बड़ी सुंदर बात इस पद्यांश में बताई है और काव्य सौंदर्य भी आपका सेम रहेगा। यहाँ वियोग श्रृंगार रस माधुर्य गुण प्रश्नात्मक शैली दृश्य बिंब मुक्षण, ये पूरी की 10 लाइन आप पूरी की पूरी लिखोगे। आशा है कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।